हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत ही ज़िम्मेदारी से मुझे पढ़ते हैं और मैं भी बहुत हिम्मत के साथ में आप लोगों को वीडियो देता हूँ रमजान चल रहे हैं इस वजह से मैं टाइम को बिना ख़राब किए शुरू करता हूँ और देखिए मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आंसर हैं जो बुक के अंदर हैं तो मैं सब आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ बुक का नाम है इंग्लिश रीडर लेसन का पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर है मार्कोपोलो और इसके राइटर है मीजा जाव अली और जो पहला पैराग्राफ है इट इज़ डिफ़िकल्ट देखिए उसमें लिखा dot, 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 away, है इट इज़ डिफ़िकल्ट डॉट 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 टेक इन अवे ये पैरा वन है चलिए मैं आपको बताता हूँ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड एंड डेंजर इट वॉज़ टू ट्रेवल फ्रॉम वन सेंचुरी One country to another six or seven hundred years ago. Men had to travel mainly by overland route. They had to move slowly and as and when they got the chance. Villages and towns were far apart. Many persons died on the way for lack of food and water. People had to travel with large parties or caverns as they were caught. कु गेट लॉस्ट बैंड ऑफ रॉबर्स न्यू दीज रूट टू दे अटैक देवर डेम मिनी वर किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस अदर डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट वैन एवरीथिंग देड वॉज स्टोरी एंड टेक इन अवे बहुत मुश्किल था पहले के ज़माने में यात्रा करना यानी आज से 600 सौ सात साल पहले 600 सौ सात सौ साल पहले यात्रा करना बहुत मुश्किल था और जब लोग यात्रा करना शुरू करते थे तो वो एक कैरावन बनाते थे और उसके साथ वो पैदल यात्रा करते थे और यात्रा शुरू करने से पहले वो मौके की तलाश में रहते थे कि हमें कब अच्छा मौका मिलेगा तो और हम यात्रा शुरू करें लेकिन उस समय में गांव और कस्बे बहुत बहुत दूरी पर हुआ करते थे और यात्रा जब शुरू हो जाती थी तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे जो पानी की वजह से और भूख की वजह से रास्ते में मर जाते थे और एक इसमें ख़ास बात ये थी कि बहुत सारे लुटेरे जिनको ये रास्ते पता थे कि के कैरावन किस रास्ते से जाते हैं उनको बेचारों को लूट लिया करते थे कभी कभी वो अटैक करते थे उनको मार दिया करते थे और जो करावंत में लोग चलते थे कभी कभी लड़ते लड़ते भी बहुत सारे लोग मर जाते थे कुछ भूख से कुछ प्यास से और कुछ का तो सामान भी लूट दिया जाता था अब देखिए इसमें चार क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है वाई वाज इट हार्ड एंड डेंजरस टू ट्रेवल सिक्स और सेवन हंड्रेड ईयर से वो छः सौ सात सौ साल पहले यात्रा करना कठिन क्यों था इसका जवाब भी इसमें लिखा है और मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी अभी अभी बताई है दूसरा क्वेश्चन है वाट हैपन टू मैनी पीपल ड्यूरिंग जर्नी इन दो लोगों के साथ उस समय क्या होता था जब वो जर्नी यानी सफर करते थे मैंने आपको ये बताया भूख से प्यास से मर जाते थे वगैरह वगैरह आप इसके अंदर देखिए जवाब है तीसरा क्वेश्चन है वाई डिड पीपल हैव टू ट्रेवल विद कैंस लोग झुंड बनाकर काफिला बनाकर यात्रा क्यों करते थे जवाब आपके सामने दिया है हु अटैक व्हाई? उनके ऊपर अटैक कौन करता था और क्यों करता था इसका जवाब भी दिया है चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं दूसरा पैराग्राफ ट्रेवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डेज दैट हार्डली एनी वन वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी वॉज श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम आर लाइफ only persons of great courage could dare undertake long journey which led them into strange lands and sometimes took years to complete in the 13th century europe valued trade with the east highly india and china were believed to be rich and dreams spices from the island of southeast asia could be sold in यूरोप एट ए ग्रेट प्रॉफिट पहले के ज़माने में छः सौ साल पहले यात्रा करना इसलिए बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि काफिले के साथ यात्रा की जाती थी और जो लोग यात्रा करते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को ये यकीन भी नहीं होता था कि अब हम वापस आ पाएंगे या नहीं और वही लोग यात्रा करते थे जिनके अंदर बहुत हिम्मत होती थी और जब वो यात्रा करते थे तो तभी वो एक दूसरी कंट्री में पहुंच पाते थे जिसके लिए उनको बहुत ही वक्त लगता था तेरहवीं शताब्दी में यूरोप जो था वो ईस्ट के साथ में पूर्वी देशों के साथ में ट्रेड करने में यानी व्यापार करने में अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करता था ख़ास तौर से इंडिया और चाइना को ये समझता था कि ये तो हमारी सोच से भी ज़्यादा नहीं सपनों से भी ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ हैं क्यों क्योंकि स्पाइसेस जो मसाले स्पाइसेस भी मसाले ये वहाँ पर यानि यूरोप के कंट्रीज़ में सब सेल किए जाते थे और इनसे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया जाता था क्वेश्चन देखिए देखिए मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊँगा क्वेश्चन के आंसर लिखे भी हैं और मैंने अभी आपको ट्रांसलेट करके भी बताया है वट टाइप ऑफ पीपल डियर ऑफ अंडरटेक लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा करने के लिए किस तरह के लोग क्या साहस करते थे सेकेंड क्वेश्चन वाई डिट जर्नी टेक यस टू कंप्लीट यात्रा करने में सालों क्यों लग जाते थे थर्ड क्वेश्चन विच कंट्री वी आर बिलीव टू बी रिच इन दर्टीन सेंचुरी कौन कौन से देश बहुत ही धनी माने जाते थे बहुत अमीर माने जाते थे और फोर्थ क्वेश्चन व्हाट कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट ग्रेट प्रॉफिट यूरोप में कौन सी चीज बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पर बेची जाती थी आंसर आपके समझ में आ गया होगा चलिए पैरा नंबर थ्री यानी पैरा सी मार्को पोलो डॉट 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 टुक फोर ईयर्स मार्को पोलो वो आर द यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड द सिटी ऑफ वेनिस इन यूरोप वर द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट ईस्ट का सबसे बड़ा ट्रेड सेंटर जो था वो था वेनिस और मार्कोपोलो वहां के बहुत अच्छे अच्छे व्यापारियों को भी जानता था एंड 1271 सेवेंटी में 17 इयर्स ओल्ड मार्कोपोलो स्टार्टेड जर्नी टू चाइना देन नॉन एज कैथे कहते हैं बारह में मार्को में मार्कोपोलो ने सफ़र शुरू किया चाइना के लिए देन नॉन एज कैथे और उसको कैथे के भी नाम से जाना जाता है विद निकोलो पोलो हिज़ फादर एंड मार्कोपोलो हिज अंकल और उनके साथ में पोलो उनके पिताजी भी थे और उनके चाचा माफियो पोलो भी थे दे ट्रेवल फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर देन क्रॉस द ब्लैक सी इन टू द क्राइमिया क्रीमिया उन्होंने ब्लैक सागर को पार किया क्रीमिया में प्रवेश किया और उनका सफ़र जो था वो वीनस वीनस से एशिया माइनर के लिए था फ्राम देअर दे मेड दियर जर्नी करॉस द डिज़र्ट ऑफ पर्शिया एंड अफ़गानिस्तान टू हाईलैंड ऑफ द पामीर पामिर के पठार को पहुँचने के लिए उन्होंने क्या किया परशिया और अफ़ग़ानिस्तान के रास्ते इंडिया को टच करते हुए वो पामिर पहुँचे दैन दे करॉस द ग्रेट गोभी डिज़र्ट और उन्होंने बहुत बड़ा एक वहां पर ग्रेट गोभी डिजर्ट है रेगिस्तान उसको पार किया एंड रिश पीकिंग और पीकिंग पहुंच गए पीकिंग उ, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ पीकिंग वाज द कैपिटल ऑफ चीन द जर्नी टुक फोर इयर्स और इस यात्रा में उनको चार साल लगे अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया हुपोलो कौन था मार्कोपोलो व्हाट डू यू नो अबाउट द फैमिली ऑफ मार्कोपोलो मार्को पोलो की फैमिली के बारे में आप क्या जानते हैं थर्ड क्वेश्चन वैन एंड विद होम डिड मार्को पोलो स्टार्टेड जर्नी उसने किसके साथ और कब यात्रा शुरू की और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज वीनस नोन फॉर वीनस किस नाम से जाना जाता है और फिफ्थ डिस्क्राइब द रूट द मार्को पोलो टू टू रीच पीकिंग पीकिंग पहुंचने के लिए वो जिस रूट पर चल रहा था उसका वर्णन कीजिए और छठा क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डिड द पोलोज टेक अ कंप्लीट द जर्नी जर्नी को पूरा करने के लिए उसको कितना वक्त लगा चलिए नेक्स्ट पैरा पैरा नंबर डी टू एस दिस सीम डॉट 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 इंपॉर्टेंट सिटी चलिए टू एस दिस टू अस दिस सीम अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर जर्नी बट इन दोज डेज पीपल पब्लिक थाट देव लकी देर एबल टू गेट समर एट ऑल कहते हैं कि यात्रा करने में बहुत बड़ा वक्त लग रहा था लगता था लेकिन उस समय जब लोग यात्रा करते थे और जब वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते थे अपने डेस्टिनेशन पर कहीं जगह पर जहाँ पर उनको जाना है तो वो अपने आप को बहुत ही लकी मानते थे दे वी आर मैनी केसेस ऑफ ट्रेवल्स के ऑन द वे ऑफ कैप्चर एंड सोल्ड ए स्लै और कई केसेस ऐसे हुए हैं रास्ते में कि उनको या तो मार दिया गया है या उनको लूट लिया गया है या ऐसा भी हुआ है कि लोगों को पकड़ लिया और उनको किसी अच्छे व्यापारी के हाथ बेच दिया गया दोलो वेंट टू द कोर्ट ऑफ कबलाई खान आ ग्रांड सन ऑफ द फेमस मंगोल इन वेडर जंगीज़ खान जंगीज खान नाम है आ, कुबलाई खान के दादा का और ये उनके पोते हैं तो कहते हैं कि कुबलाई खान के दरबार में पोलो पहुंचते हैं और वो अपनी अर्जी देते हैं यानी कि अपनी शिकायत करते हैं ही वॉज़ द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर विध इट्स कैपिटल एट पीकिंग कहते हैं बहुत बड़े साम्राज्य का वो राजा था और उसकी राजधानी पीकिंग थी कुबलाई खान रिसीव द ट्रेवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस कुबलाई खान ने सारे लोगों का बहुत हार्ड वेलकम किया निकोलो एंड माफियो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना समीयर से गो एंड वी आर नोन टू द एम्प्रर और इनके चाचा और इनके पापा जो थे पिताजी निकोलो एंड माफियो ये पहले ही उस देश की यात्रा कर चुके थे और वहाँ के एम्प्रर्स को अच्छी तरह से जानते भी थे <coughs> पहला क्वेश्चन देखिए वाई डिड पीपल फीलिंग देम सेल्फ लकी टू रीच जस्ट एन रिगार्डलेस रिगार्ड लेस ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त क्यों लगता था और उनके साथ क्या क्या होता था जवाब आपके सामने है सेकेंड क्वेश्चन वॉज कौन था कुबलाई कुबलाई खान खान हाउ डिड रिसीव कुयोलो उन्होंने पोलो को किस तरह से वेलकम किया डिड मार्को पोलो लर्न इन चाइना चाइना में मार्को पोलो ने क्या सीखा फिफ्थ क्वेश्चन वट वॉज द एटीट्यूड टुवार्ड्स मार्को पोलो मार्को पोलो के लिए जो राजा थे वहाँ के कुबलाई खान उनका एटीट्यूड कैसा था यानी कि बिहेव कैसा था वेन एंड वाई वॉज मार्कोपोलो मेड अ टेक अ ट्रिप टू सिलोन कब और क्यों मार्कोपोलो ने सिलोन की यात्रा की चलिए पैरा नंबर ई इन ट्वेल्व नाइन्टी फिफ्टीन डॉट 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 आफ्टर द जर्नी राइट इन टाइन्टी फिफ्टीन ईयर्स आफ्टर कमिंग टू पीकिंग मार्कोपोलो आस्ट दर एम्प्र परमिशन टू गो बैक होम उन्नीस सौ सॉरी बारह सौ नब्बे में यानी पंद्रह साल के बाद पीकिंग पहुँचने के बाद मार्कोपोलो ने वहाँ के राजा से अपने घर वापस जाने के लिए परमिशन मांगा बट कुब्राई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो लेकिन कुबलाई खान ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया अलग ही चांस हाउ एवर हेल्प हिम कहते हैं मेरे लकी चांस है कि उसने मेरी बहुत मदद की है तो मैं उसको क्यों जाने दूँ द मैरिज ऑफ आप प्रिंस ऑफ कुबलाइज फैमिली हेड बीन अरेंज विद हिज ग्रांड नेफ्यू आगन द वाइसराय ऑफ पर्शिया पर्शिया का वाइसराय राय है सूबेदार है कौन कुबलाई खान के भतीजे हैं उनके साथ उन उन्होंने एक राजा रानी के साथ में राजकुमारी के साथ में मैरिज अरेंज की थी की थी आर्गन हैड सेंड सम ऑफ हिज पेशन नोबल टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड आर्गन ने क्या किया कुछ लोगों को भेजा के दुल्हन को इज्जत से लाया जाना चाहिए यानी लेकर आइए द लेडी कोकाचिन टू परशिया फॉर द मैरिज उस लड़की का नाम था कोका चीन टू परशिया फॉर द मैरिज पर्शिया उसको लेकर आना है नाव दैट द नावल मैन वी आर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्रैड्रेड ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क ऑफ द जर्नी जो लोग जाने के लिए तैयार थे उनके दिल में बहुत डर था और बहुत खतरे की जगह थी यानी रास्ते में जो खतरे होते हैं उसके लिए वो लो लोग बहुत डर रहे थे दे वांटेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस ट्रेवलर विद देम एज गाइड वो चाहते थे कि हमारे साथ में कोई एक ऐसा बंदा हो जो हमें रास्ता बताए और उसको उस रास्ते के बारे में पता हो यानी तजुर्बा हो अनुभव हो सो दे रिक्वेस्टेड कुबलाई खान टू अलाउड द पोल टू गो विद देयर पार्टी इसलिए उन्होंने कुबलाई खान से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ पोलो को भेज दीजिए कुबलाए खान है टू एग्री वो राजी हो गए बट ही मेड मार को प्रॉमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी उन्होंने मार्को से वायदा लिया मार्को पोलो से वायदा लिया कि जब यात्रा खत्म हो जाएगी तो आपको यहां पर वापस आना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर वन प्रॉमिस डिड मार्को पोलो आस द एम्पर मार्को पोलो वट परमिशन डिड मार्को पोलो आज द एम्पर Uh, राजा ने मार्को पोलो को किस तरह का परमिशन दिया दूसरा क्वेश्चन व्हाट वाज द एम्प रिएक्शन ऑन मार्कोज पोलो चाहते थे उसके बारे में रिएक्शन क्या था राजा का थर्ड क्वेश्चन वॉज आर्गन विद होम वॉज इज मैरिज फिस्ट आर्गन कौन था और उसकी शादी किसके साथ तय हुई थी फोर्थ नंबर वाई वेगन नॉबेल ऑफ फ्रेड जो लोग सज्जन लोग जो जा रहे थे दुल्हन को लेने के लिए उनके दिल में डर क्या था राजा ने मार्को से किस तरह का वायदा लिया चलिए अब इस तरह से देखिए एक पैराग्राफ आपका ई e है एफ सॉरी एफ है पार्टी डिसाइडेड वैन ई रिटर्न डॉट 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 वैन ई रिटर्न तो ये पूरा पैराग्राफ है मैं चाहूँगा आप लोग इसकी स्टडी ख़ुद करें तो बेहतर है और लास्ट वाला है स्टोरी इज़ डॉट 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 हार्डशिप स्टिल पैराग्राफ जी है मैं इसको भी थोड़ा सा इस्किप मार रहा हूँ <coughs> और मैं अब आता हूँ लास्ट वाले पैराग्राफ के ऊपर जो पैराग्राफ आई है मार्कोपोलो डॉट 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 पैराग्राफ आई जी एच आई मार्को पोलो डॉट 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 दून ये लास्ट पैराग्राफ है देखिए इसमें बस शॉर्टकट आपको बता रहा हूं मार्को पोलो इज सपोस्ड टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया एशिया के एशिया में मार्को पोलो पहले ऐसे माने जाते हैं कि जिन्होंने पूरे एशिया का भ्रमण किया है फर्स्ट यूरोपियन पर्सन पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज यूरोप के लोगों को बहुत ही कम नॉलेज थी बहुत कम नॉलेज थी दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच और वट मार्को पोलो हैड रिटिन उन्होंने किताब लिखी थी तो उस किताब के ऊपर यानी मार्को पोलो ने किताब लिखी थी तो यूरोपियन के लोगों को मार्को पोलो के ऊपर विश्वास बहुत कम था कि उन्होंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही लिखा है फॉर सेंचुरीज इट वॉज थाट दैट द बुक वाज ए कलेक्शन ऑफ लाइज तब वो लोग शताब्दियों तक कई सालों तक वो लोग ये कहते रहे किताब में जो कुछ लिखा है झूठ झूठ का पुलिंदा है यानी कि सच नहीं है इट वॉज ओनली इन दाइनटीन सेंचुरी दैट द फैक्ट्स वी आर वेरीफाइड बाई ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जर्नली टू बी ट्रू जब स्कॉलर्स ने नाइनटीन सेंचुरी में स्कॉलर्स ने और कई लोगों ने जब इस चीज़ का ठप्पा लगा दिया कि हाँ ये चीज़ सही है जो किताब में लिखी है तब उन लोगों को यकीन आ गया दे वे आर ऑफ कोर्स सर्टन थिंग विच मार्को हैड ऑनलीड दे वे आर नॉट ऑलवेज करेक्ट और यह भी था कि मार्को पोलो ने बहुत सारी चीजें सुनी हुई लिखी थी जो सच नहीं हो सकती थी मार्को बुक फायर्ड पीपल्स फैंसी लेकिन जब लोगों ने बता दिया उस टाइम के लोगों ने कि हाँ ये सब सच है तो लोगों के दिलों पर उनकी किताब असर छोड़ने लगी मैन हुर फंड ऑफ एडवेंचर्स बिगेन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट टू इंडिया एंड चाइना एंड मेकिंग देर फॉर्च्यून्स फिर क्या हुआ लोगों के अंदर एक क्रेज़ पैदा हो गया कि उन्हें इंडिया चाइना से बिजनेस करना चाहिए उससे उनके सपने साकार हो सकते हैं चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं पहला क्वेश्चन है वट डिड पीपल थिंक ऑफ मार्कोज बुक लोग मार्को पोलो की बुक के बारे में क्या सोचते थे आंसर आपके सामने है पीपल बताने की जरूरत नहीं है आप इसको खुद पढ़िएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डिड पीपल स्टार्ट बिलीविंग मार्को पोलोज राइटिंग लोगों ने मार्कोपोलो के लिखे हुए शब्दों पर यानी जो किताब में उन्होंने लिखा है उन्होंने कब विश्वास करना शुरू किया उनको कब से यकीन हुआ इसका जवाब नीचे और थर्ड क्वेश्चन व्हाट वाज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मार्कोज़ बुक मार्को पोलो की किताब का लोगों के ऊपर क्या असर हुआ ये तीन क्वेश्चन और तीनों के जवाब दिए हैं एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी को भी हिंदी में इसके जवाब चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए चलिए अब शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ऐसे ही हैं अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे अब लॉन्ग देखिए व्हाट डिफ़िकल्ट डिड पीपल डिफिकल्टीज व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड पीपल हैव टू फेस इन ट्रेवलिंग अबाउट सिक्स टू सेवन हंड्रेड ईयर्स एगो छः या सात सौ साल पहले यात्रा करते समय लोगों को किस तरह की परेशानियां आती थी जवाब आपके सामने है और मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन हुआज मार्को पोलो हाउ डिड यू रीच पीकिंग मार्को पोलो कौन था और वो बीजिंग कैसे पहुंचा? इसका जवाब भी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हुआज कुबलाई खान हाउ कैन यू से दैट ही ट्रस्टेड मार्को पोलो कुबलाई खान कौन था और आप कैसे कह सकते हैं के मार्कोपोलो के ऊपर कुबलाई खान को बहुत ही यकीन था इसका जवाब भी आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर फोर हाउडेड मार्कोपोलो विन द ट्रस्ट ऑफ कुबलाई खान कुबलाई खान का यकीन मार्को पोलो ने कैसे जीता कैसे प्राप्त किया मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको आंसर आपके सामने आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर फाइव गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रिटर्न जर्नी ऑफ मार्को पोलो विथ पर्शियन नोबल मैन पोलो की फारस के दरबारियों के साथ वापसी की यात्रा का एक्सप्लेनेशन कीजिए यानी विवरण कीजिए उसको एक्सप्लेन कीजिए ये थोड़ा सा लंबा होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर फाइव था उसका जवाब भी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हेन डिड मार्को पोलो रिटर्न टू वेनिस वट अपथ हिम देयर मार्को पोलो वेनिस कब वापस लौटा और उसके साथ क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वॉज मार्को पोलो इम पीजें वट डिड ही डू वाइल इन पेशियन मार्को पोलो को जेल क्यों भेजा गया उसने जेल में क्या किया और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ एंड वाई डिड मार्कोपोलो बिकेम फेमस इन वेनेस हाउ कैसे और क्यों मार्को पोलो वीनेस के अंदर प्रसिद्ध हो गए मशहूर हो गए और अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये एक, एक लाइन के आंसर हैं पहला क्वेश्चन हाउ डिड पोलो ट्रेवल इन द पास्ट प्राचीन में लोग यात्रा कैसे करते थे यह आपको समझना है और दूसरा क्वेश्चन व्हाट द डिफिकल्टीज ऑफ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द पास्ट पहले के टाइम में क्या परेशानियां आती थी जब लोग सफर करते थे यात्रा करते थे थर्ड क्वेश्चन विच आइटम फैसिनेटेड यूरोपियन टू ट्रैवल टू ईस्ट यूरोपियन को पूरब की ओर यात्रा करने के लिए किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया आकर्षित किया और क्वेश्चन नंबर फोर हु वेयर द पोलोस वेयर डिड दे बिलोंग टू पोलो कौन थे और कहां से संबंधित थे यानी कहां के रहने वाले थे क्वेश्चन नंबर फाइव हु वाज द एम्परर ऑफ चाइना हाउ डिड ही रिसीव द पोलो चाइना का शासक कौन था और उसने पोलो का स्वागत कैसे किया मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ आंसर आपके पास में है सिर्फ क्वेश्चन वेन डिड मार्को स्टार्टेड इज जर्नी फ्रॉम वेनिस एंड विद हो पोलो ने अपनी यात्रा वेनिस के लिए कब शुरू की और किसके साथ शुरू की नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डिड पोलो रिटर्न टू वेनिस वाट वॉज हिज एज एट द टाइम मार्कोपोलो वेनस कब वापस आए और जब वापस आए तो उस वक्त उनकी एज यानी उम्र क्या थी ये भी जवाब देखिए आपके सामने है हाउ पोलो अवॉर्डेड बाई द एम्प्रर मार्कोपोलो एम्प्रर के जरिए से पुरस्कृत किए गए थे कैसे यानी उनको अवार्ड कैसे दिया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज आर्गन होम वाज़ हिज मैरिज फिक्स्ड विद आर्गन कौन था और उसका विवाह किसके साथ फिक्स हुआ तय किया गया था और टेन नंबर पोलो अलाउड टू अकंपनी द पर्शियन नोबल वाइल्ड टेकिंग द प्रिंसिस टू पर्शिया राजकुमारी को फारस ले जाने के समय पारसी पादरों के साथ पारसी सरदारों के साथ पोलो को जाने की इजाजत क्यों दी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डिलेड द रिटर्न जर्नी ऑफ द पार्टी वापसी दल की वापसी यात्रा में देरी क्यों हुई और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउर द पोलो रिसीव इन वेनिस इन ट्वेल्व नाइनटी फाइव वन टू नाइन फाइव पोलो का उन्नीस बारह सौ पचानवे में वेनिस में किस तरह से स्वागत किया गया था क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाउ डिड पोलो मेक दियर रिलेटिव बिलीफ इन वंडर्स ऑफ दियर जर्नी पोलो ने अपने रिश्तेदारों की यात्रा के आश्चर्यों पर विश्वास कैसे दिलाया कैसे यकीन दिलाया कि उनकी यात्रा अच्छी रही चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई वाज मार्को पोलो कैप्टन प्रीजन मार्को पोलो को जेल में क्यों रखा गया राइट right? चलिए अब थोड़ा सा वोकेबलरी के बारे में देखते हैं वोकेबलरी में क्या है देखिए हिंदी इसकी मैंने नहीं दी है अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे लिखिएगा पहला देखिए यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन योर ऑन सेंटेंसेस ये फ्रेजेज हैं अब फ्रेज अगर आपने पढ़े हैं अगर आपने मेरी वीडियो देखी हैं ग्रामर की तो उसके अंदर फ्रेज़ के बारे में सब समझाया गया है तो आपको समझ में आएगा गॉड द चांस का मतलब होता है मौका मिलना उसमें देखिए लिखा हुआ नहीं होगा क्योंकि हिंदी मैंने दी नहीं है इस तरह से इसमें छः वर्ड दिए हैं हालांकि आपको तो ज़्यादा ही पढ़ना है बी कॉलम देखिए मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम वन एंड टू अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी इन दियर मीनिंग्स जो दो कॉलम दिए हैं एक और दो कॉलम दिया है वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उनमें आपको आ, मतलब लाइन के हिसाब से क्लियर करना है तो ये आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि आप थोड़ा सा सोचिए कि इसका मतलब क्या होता है और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे लिखिए तो ये था हमारा चैप्टर सेकेंड मार्कोपोलो जो आज खत्म हो गया और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा अगर कोई प्रॉब्लम आए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना और कमेंट देना आप बिल्कुल मत भूलिएगा तीसरा चैप्टर आपका होगा प्लेइंग द गेम इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त थैंक यू थैंक यू सो मच